नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 न्यू मॉडल के बारे में। कुछ नए अपग्रेड आए हैं 2018 में और वो अपग्रेड आज हम कंपेयर करेंगे जो कुल एक मंथ के अंदर अपग्रेड किए गए हैं। तो ये गाइस, आज हमारे पास दोनों स्टैंडर्ड है सामने, आप देख सकते हैं, और दोनों स्टैंडर्ड कुल 6 महीने के अंदर दोनों गाड़ियों में नए अपग्रेड हैं। एक 2 महीने पुरानी है, एक 6 महीने पुरानी है, और दोनों के अंदर क्या नए अपग्रेड हैं ये इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे क्या नए अपग्रेड हैं। सबसे पहला और जो मेन अपग्रेड है जो मुझे लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे पहला मेन अपग्रेड आया है वो है आपका ब्रेक केम को लेके। देखिए, इसके अंदर वाइट कलर की ब्रेक केम नज़र आएगी, और अभी मेरे पास जो अभी हाल ही का 1-2 महीने पुरानी है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कि उसकी कैसी प्लेट है ब्रेक केम। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप इस ब्रेक केम को देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया कर दी है, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था 2 महीने पहले, और देखिए उसके बाद सीधे चेंज आ गया है, और ये काफ़ी अच्छे मेटल की है। और इसकी ड्रम प्लेट भी मैं दिखाऊँगा, ड्रम प्लेट भी काफ़ी बढ़िया है, और पहले की ड्रम प्लेट मतलब मुड़ जाती थी और ब्रेक खट आवाज़ करते थे, तो ये काफ़ी अच्छा करा कंपनी ने नया अपग्रेड करके, मेरे को काफ़ी पसंद आया। और अब मैं बात करता हूँ दूसरे अपग्रेड की गाइस। जो दूसरा अपग्रेड है कि मिसिंग की प्रॉब्लम को लेके, जो स्टार्टिंग में BS4 मॉडल आए थे उसके अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और अब जो है BS4 मॉडल में इसमें एक्चुअल में यहाँ पर जो ढक्कन के अंदर रबड़ होते हैं ना, इस जगह पर जो सील लॉक करता था ये रबड़, उसको अच्छा एक दूसरा चेंज कर दिया गया है, और जो यहाँ से एक पाइप होता है ये बारीक वाला पाइप, उस पाइप के अंदर इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। वो पाइप डायरेक्ट अब ब्लॉक नहीं होता है और पूरी मात्रा में टैंकी के अंदर गैस नहीं बनती और मतलब एयर आती रहती है। तो ये आप पुराना मॉडल देख सकते हैं, यहाँ पर जो छेद था और ये यहाँ पर क्या पेट्रोल जाता था और उसके अंदर जाके एयर बन जाती थी, और इसी कारण से मतलब मिसिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती थी। और दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम है, सबसे पहले 2 या 3 आइटम के अंदर ही अपग्रेड है। कुछ मिसिंग के प्रॉब्लम, जो चारकोल कनेस्टर जो लगे रहते थे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है, साइलेंसर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है, और पीछे ब्रेक कैम दिखा दी गई है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, इसकी CDI चेंज कर दी गई है। और आने वाले टाइम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ नए वीडियो जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और सबसे मेन, अगर आपको ये जानना है कि इसका इंडिया में नई नई जगहों पे अलग अलग प्राइस है, वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। उसके उस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे कि इंडिया में दिल्ली में इसका क्या रेट है, हर एक जगह के बारे में आपको बताएंगे। और यही अपग्रेड थे, मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।